हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई जसके पर। दोस्तों, मैं वर्गमूल और घनमूल पढ़ा रहा हूँ, उसका भाग एक आ चुका है। आज दोस्तों मैं उसका भाग सेकंड करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आजकल क्या है कि छोटे छोटे सवाल करके लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, और उन सवालों को दोस्तों आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपको अधिक जानकारी आज मिलने वाली है और कुछ आप नया भी सीखोगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक सवाल दे रखा, मान लो दिया हुआ है 4 6 7 5 अगुणे 4 a 7 7। ये दोस्तों सवाल दिया गया है और आपसे पूछा ये गया कि मैं क्या जोड़ा जाए, मैं क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया कि एक संख्या दे रखी है, ठीक है, और इसमें पूछा गया दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दे, छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी जोड़ दे जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, देखो करने का दोस्तों तरीका बताते हैं क्या करना है। अब देखो ये जो संख्याएं दे रखी है, यहाँ पे 4675 4677, इन दोनों के बीच में दोस्तों दो संख्या, दो का अंतर है, दो का डिफरेंस है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, समझो। यहाँ पे सपोज करो दोस्तों हमने ले लिया 1 × 3 बराबर क्या क्या 3। अब अच्छा दोस्तों हम 2 × 4 कर ले तो कितना हो जाएगा 8, और 3 × 5 कर ले तो कितना हो जाएगा 15। क्या कर रहा है हम, देखो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनमें दो का अंतर है, यानी इसीलिए हमने एक ऐसे कुछ एग्जांपल कर रहे हैं जिनके बीच में दो का डिफरेंस है, ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जिनके बीच में दो का अंतर है। आगे देखो अगर हम 4 × 6 कह रहे तो दोस्तों क्या होगा 24 हो जाएगा, और अगर हम 5 × 7 कह दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 × 3 3 हुआ, अगर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, इस संख्या को दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो मुझे पता है दोस्तों पूर्ण वर्ग 4 होता है, अगर इसमें हम 1 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 1, तो 4 यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा कंफर्म। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है दोस्तों, अगर 8 में 1 ऐड कर दे, 8 में 1 जोड़ दे तो दोस्तों 8 में अगर 1 जोड़ दे तो क्या बन जाएगा 9, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार से 15 में दोस्तों अगर 1 जोड़ दे तो क्या बनेगा 16, संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। 24 में दोस्तों क्या अगर 1 जोड़ दे तो क्या बनेगा 25, संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। अगर 35 में दोस्तों हम 1 जोड़ दें तो क्या बनेगा 36, यानी संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग बनेगी। क्या मतलब है दोस्तों, ऐसी कोई भी दो संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी कोई भी दो संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उनमें हमेशा 1 जोड़ने पर संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हम ये कहेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 2 का है, दो संख्याओं का अंतर है, तो क्या हम कहेंगे भाई इनमें 1 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें 1 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी मुझे सवाल नहीं लगाना था। अब हम क्या कहेंगे 1 जोड़ने पर, क्या दोस्तों लिखेंगे 1 जोड़ने पर ये क्या होगी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप कोई भी दोस्तों एग्जाम्पल ले लो, कहीं से कोई भी संख्या ले लो, अगर उसमें 2 1 जोड़ेंगे तो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चलो दोस्तों एक दो एग्जांपल और, मतलब 10 × 12 कर ले, 10 × 12 कितना होगा 120। अब भी तो हम इसमें 1 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। और कोई भी एग्जांपल दोस्तों ले लो, 12 × 14 ले लो, कितना होगा 14 × 28, 14 × 14 तो 16, 168। अब 168 यानी 168 में भी दोस्तों अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि 507 × 509, क्या दिया हुआ है 507 × 509 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, अगर छोटी से मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तो क्या हम देखते हैं, दोनों हम देखते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है 2 का है, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में अंतर दोस्तों 2 का है। और सिंपल सी बात है कि अगर दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है तो उनकी गुणा करने पर हमेशा 1 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, यानी हम ये कहेंगे कि इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर सवाल ये रखा है 528 × 529 में
क्या जोड़ा जाए? जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। क्या दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 528 गुणे 529, 528 गुणे 529 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। तो देखो दोस्तों, इसमें पिछले सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है क्या? तो कुछ अंतर है। क्या है कि पहले वाले सवाल में देखो दो का अंतर मिला था, 528 तो 530, यानी कि दो का, अगर दो का अंतर होता है तो मुझे सवाल लगाना नहीं था, तो हम सीधे कर देते भाई, इसमें एक जोड़ने पर संख्या पूर्णवर्ग हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में कितने का अंतर है? एक का ही अंतर है। अब ऐसी कंडीशन पे दोस्तों एक तो आंसर नहीं आएगा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको समझते हैं कि दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ दोस्तों, इनके बीच में अंतर कितना है? तो हम कहेंगे एक का। इनके बीच में अंतर कितना है? तो हम कहेंगे एक का। अगर एक का अंतर है तो एक संख्याओं के अंतर पे पहले हम कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, उन्हीं के बेस पे इसका आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक गुणे दो कर लो, कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। दो गुणे तीन छह हो जाएगा। तीन गुणे चार कितना होगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। चार गुणे पांच कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और पांच गुणे दोस्तों छह करें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 हो जाएगा। दोस्तों हम कौन से एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनके बीच का अंतर एक है, जिनके बीच का अंतर एक है। अब समझो इसमें क्या हो रहा है। क्या दोस्तों करना है? मुझे जोड़ना है। हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो मुझे ये बताओ दो में दोस्तों कितना जोड़ दे कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। दो में कितना जोड़ दे कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। तो दोस्तों ये कहेंगे भाई दो में अगर दो जोड़ दे तो ये संख्या जो है आपकी पूर्णवर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। कितना बन जाएगा? चार बन जाएगा। ये संख्या क्या होगी? पूर्णवर्ग हो जाएगी दोस्तों। अच्छा छह में दोस्तों कितना जोड़ दे? तो हम छह में कहेंगे भाई तीन जोड़ दे। कौन सी संख्या जोड़ दे? तीन जोड़ दे। तो नौ बन जाएगा, पूर्णवर्ग बन जाएगी। अब देखो जो इसमें दो कौन सी संख्या जुड़ी है? एक, जब जब हम एक गुणे दो करें तो बाद वाली संख्या इसमें जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई संख्या? बाद वाली। या हम ये कह सकते हैं कि एक गुणे दो में बड़ी वाली संख्या जुड़ी गई। दो गुणे तीन में दोस्तों कौन सी जुड़ी गई? बड़ी वाली संख्या जुड़ी गई। अब यहाँ पे समझो तीन गुणे चार कितना हुआ? 12। अब समझो अगर इसमें बड़ी वाली संख्या जोड़ दे यानी कि चार, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों बन गया। चार गुणे पांच में क्या करेंगे? अगर बड़ी वाली संख्या ऐड कर ले यानी कितना? पांच, तो कितना बना? 25। तब भी तो स्क्वायर बन जाएगा। और अगर पांच गुणे छह में दोस्तों हम छह ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 36। तब भी तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर दो संख्या ऐसी दे रखी है जिनके बीच का अंतर एक है, या दो कंजुगेटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत संख्या दे रखी है, तो उनमें हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या जोड़ने पर संख्याएं पूर्णवर्ग बन जाती है। एक बात और यहाँ पे होती है कि अगर घटाने की बात करेगा तो दोस्तों छोटी संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाने पर? छोटी संख्या। उस पर अभी आगे सवाल कर लेंगे। अभी समझो बड़ी सवाल मतलब जोड़ने की बात करें तो बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? छह संख्या, मतलब बड़ी बड़ी संख्या जोड़ देता हूँ। अब अगर इस सवाल की बात करें भाई, 528 × 529, 528 × 529 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए? तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है, बिल्कुल एक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसमें जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या जोड़ने पर संख्या पूर्णवर्ग हो जाएगी, यानी कि 529, 529 जोड़ने पर, 529 जोड़ने पर। यही आपका दोस्तों आंसर है। क्या हमने सीखा कि अगर दो संख्याएं कंजुगेटिव नंबर्स हैं यानी क्रमागत संख्याएं, तो उनमें बड़ी संख्या जोड़ने पर या छोटी संख्या घटाने पर संख्याएं पूर्णवर्ग हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है कि 412 × 413, 412 × 413 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। तो सेम कंडीशन है, अगर जोड़ने के लिए कहा गया है और इन दोनों के बीच में दोस्तों अंतर कितना है? एक का है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें जोड़ा क्या जाए? तो हम कहेंगे 413। बस यही आपको आपका आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी वही आपको जोड़ना है, और वही संख्या जोड़ने पर संख्या पूर्णवर्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 927 × 928, 927 × 928 में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए।
927 बोले 928 में क्या घटा जाए। दोस्तों पहले हम जोड़ रहे थे, अब हमें क्या करना है, घटाना है। अब घटाने की बात करें तो सिंपल सी बात है, अभी हमने जैसा कहा था कि अगर दो संख्या है और कंजुगेटिव्स यानी क्रमागत या ऐसी दो संख्या जिनके बीच का अंतर एक है, अगर दोस्तों घटाने की बात करेगा तो छोटी संख्या घटाते हैं। कौन सी संख्या घटाएंगे, छोटी वाली संख्या। यानी कि घटाने की बात करें तो आंसर तो आपका भाई 927 बनेगा, 927 घटाने पर, 927 घटाने पर। अगर आपको कोई डाउट है तो कोई भी एक एग्जांपल छोटा सा दोस्तों करके चेक कर लेते हैं। सपोज करो दोस्तों हमने 5×6 कह दिया तो कितना, 6×5=30। अब दोस्तों अगर घटाने की बात करें तो आप मुझे बताओ कि अगर इसमें से छोटी संख्या 5, अगर इसमें से 5 घटा दे, 5 घटा दे तो क्या बचेगा, 25, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। कोई भी और एक एग्जांपल कर सकते हो, मान लो दोस्तों ने लिया 8×9 ले लिया तो क्या हुआ, 9×72, 9×72। अब अगर घटाने की बात करें तो छोटी संख्या घटा के चेक करो भाई, अगर 72 से 8 घटा दे तो क्या हम कहेंगे दोस्तों 64 बचेगा, और 64 आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, यानी कि दो संख्या अगर ऐसी है जिनके बीच का अंतर एक है तो हम ये कहेंगे बड़ी संख्या जोड़ने पर और छोटी संख्या घटाने पर संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाती है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 4675 क्या दिया हुआ है, 4675 + 4677 प्लस x एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें करना है x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो समझो दोस्तों कैसे करेंगे, अब देखो इन दोनों के बीच में मुझे बताओ तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो ये 75 ये 77 है। मुझे पता है इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों 2 का है, कितना अंतर है, 2 का। और मुझे ये पता है कि अगर कोई भी संख्या है, मान लो 77 × 79 है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो इसमें हमेशा हमेशा क्या होता है, एक जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। अभी दोस्तों बताया कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो में गुणा की गुणा करने पर उनके गुणनफल में हमेशा एक जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो क्या आप ये कहेंगे अगर इन दोनों की गुणा कर दे, मान लो यहाँ पे संख्या गायब है, अगर इन दोनों की हम गुणा कर दें तो एक जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और वो संख्या यहाँ पे लिखी, वही तो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। तो दोस्तों क्या हम कहेंगे कि यहाँ पे भाई x का मान 1 होगा, तो बिल्कुल दोस्तों, बस यहाँ पे क्या करना कि x की दोस्तों वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि बीच का अंतर कितना है, 2 है। अगर बीच में अंतर 2 है तो उनके गुणनफल में हमेशा एक जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बनती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल ये दे रखा है कि 77 × 78 + x में एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या जोड़ा ही गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अंतर कितना है, 1 का है, और जब अंतर 1 का होता है तब बड़ी संख्या जोड़ने पर और छोटी संख्या घटाने पर, ये तो कहते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए प्लस का निशान है, तो जोड़ने की बात करेगा तो दोस्तों x का मान कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई बड़ी वाली संख्या जोड़ने पर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 78, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या देखा है, अच्छा सपोज करो यहाँ पे 78 जोड़ने पर x का मान 78 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह दिया है 77 × 78 - x एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे x के पहले निशान का है माइनस का है, अगर x का निशान माइनस का है तो हम ये कहेंगे कौन सी संख्या घटाने पर, हमें घटाने पर लाना है। और हमें बताएं कि अगर अंतर 1 का है तो हमेशा छोटी संख्या घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो घटाने की बात करेंगे तो दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा, 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि एक सवाल दिया हुआ है कि 1 से 100 के बीच की किसी भी संख्या का वर्गमूल होगा। अगर दोस्तों आपको बताना है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0 से 10 के बीच, 0 से -10 के बीच, -10 के + 10 का बीच, और 1 से 10 के बीच में। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है कि जब हम सवाल किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, मान लो सपोज करो हम 100 का ही वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो मुझे पता है कि इसका दोस्तों नॉर्मली लिखते तो हम 10 है, इसका वर्गमूल दोस्तों नॉर्मली हम 10 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है ये आपका 10 नहीं दोस्तों निकलता है, ये आपका क्या निकलता है, -10, यानी ये प्लस का भी 10 हो सकता है और माइनस का भी 10 हो सकता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे तभी हमें 100 मिलेगा, और अगर -10 का स्क्वायर करेंगे तभी हमें 100 ही मिलता है। यानी किसी भी अगर -8 का स्क्वायर करें तो 64, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 64 ही मिलेगा। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती है।
अब दोस्तों समझो, अगर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो मुझे पता है कि 100 से कम अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 10 के बीच में होगा, 0 और 10 के बीच में होगा, और उसके साथ में क्या होगा, माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस की दोनों संख्या होंगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी माइनस 10 से प्लस 10 के बीच में जो संख्या होती है वो किसी संख्या का वर्गमूल होती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और कुछ HW दोस्तों मैं HW के सवाल दे रहा हूँ जो कि आपको घर पे करना है। तो देखो सवाल क्या है, पहला सवाल दिया है 9836 × 9838 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए, यानी आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। दूसरा सवाल क्या देते हैं 987 × 988 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए, सेम सवाल वही आपको दिया हुआ है। तीसरा सवाल क्या देता है दोस्तों 525 × 524 में क्या घटाया जाए, इसमें दोस्तों कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्णवर्ग हो जाए। अगला सवाल दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल क्या दिया है कि 988 × 990 प्लस x एक पूर्ण वर्ग हो, तो दोस्तों x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, 4 सवाल आपको लगाना है, और सवाल लगा के आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे अवश्य देने हैं। अगर कोई सवाल नहीं लगता है तो दोस्तों मुझे उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उस सवाल को अगले वीडियो में अवश्य करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।